नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं झांसी की कुछ मुख्य खबरों की तरफ। पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी अब कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना की नई लहर आ गई है। उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में संक्रमितों की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। इस संक्रमण के लिए इस बार कोरोना वायरस के नए वेरियंट ओमिक्रॉन को जिम्मेदार माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस वेरिएंट से बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये डेल्टा वेरिएंट अपेक्षा कम खतरनाक है, परंतु ये वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट की अपेक्षा में तेजी से फैलता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओमिक्रॉन के क्या लक्षण होते हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि किसी व्यक्ति को ओमिक्रॉन हुआ है या नहीं। ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों को महसूस होता है कि उन्हें सर्दी हुई है, गले में खराश है और नाक बहने में दिक्कत आ रही है। इसी के अतिरिक्त सर में तेज दर्द भी होता है, जबकि कोरोना के पुराने वेरिएंट से संक्रमित होने पर सूंघने की शक्ति या स्वाद चला जाता था तथा खांसी आती थी और तेज बुखार होता था। झांसी में भी कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने लगे, परंतु हड़कंप तब मच गया जब पिछले 24 घंटों में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 78 पहुंच चुकी है, जिससे पूरे झांसी जिले में अधिकारियों और जनता के बीच हड़कंप मच गया है। आप सभी से बुंदेलखंड न्यूज 24 निवेदन करता है कि भीड़भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें, मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर अपना काम करें।